साथियों, बंगाल के सपूत डॉक्टर मुखर्जी ने देश में औद्योगिकरण की नींव रखी। चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऐसे अनेक बड़ी परियोजनाओं के विकास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज के इस अवसर पर मैं बाबा साहब आंबेडकर को भी याद करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। डॉक्टर मुखर्जी और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दोनों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के लिए नई नई नीतियां दी थी, नया विजन दिया था। डॉक्टर मुखर्जी की बनाई पहली औद्योगिक नीति में देश के जल संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर दिया गया था। तो बाबा साहब ने देश की पहली जल संसाधन नीति और श्रमिकों से जुड़े कानूनों के निर्माण को लेकर अपने अनुभवों का उपयोग किया। देश में नदी घाटी परियोजनाओं का, डैम्स का, पोर्ट्स का निर्माण तेजी से हो पाया तो इसका बड़ा श्रेय इन दोनों महान सपूतों को जाता है। इन दोनों व्यक्तित्वों ने देश के संसाधनों की शक्ति को समझा था, उसे देश की जरूरतों के मुताबिक उपयोग करने पर जोर दिया था। यहीं कोलकाता में 1944 में नई वाटर पॉलिसी को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि भारत की वाटरवेज पॉलिसी व्यापक होनी चाहिए, इसमें सिंचाई, बिजली और यातायात जैसे हर पहलू का समावेश होना चाहिए। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि डॉक्टर मुखर्जी और बाबा साहब के सरकार से हटने के बाद उनके सुझावों पर वैसा अमल नहीं किया गया जैसा किया जाना चाहिए था। साथियों, भारत के विशाल समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। दुनिया में समुद्र तट से जुड़ा होना आज भी बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। लैंडलॉक कंट्रीज अपने आप को कभी कभी असहाय महसूस करते हैं। पुराने समय में भारत की भी एक बहुत बड़ी शक्ति थी, गुजरात के लोथल पोर्ट से लेकर कोलकाता पोर्ट तक देखें तो भारत की लंबी कोस्टलाइन से पूरी दुनिया में व्यापार कारोबार होता था और सभ्यता संस्कृति का प्रसार भी होता था। साल 2014 के बाद भारत की इस शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोचा गया, नई ऊर्जा के साथ काम शुरू किया गया। साथियों, हमारी सरकार ये मानती है
कि भारत के बंदरगाह भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार है और इसलिए सरकार ने कॉस्ट पर कनेक्टिविटी और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। सागरमाला परियोजना के तहत देश में मौजूद पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन और नए पोर्ट के डेवलपमेंट का काम लगातार किया जा रहा है। सड़क, रेल मार्ग, इंटरस्टेट वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड किया जा रहा है। ये परियोजना कोस्टल ट्रांसपोर्ट के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत करीब 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 625 प्रोजेक्ट की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और लगभग 125 पूरे भी हो चुके हैं।